आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं यूनिक्स बेस मेटल का आज मैं एक फुल रिव्यू करने वाला हूँ। वायर वाला एयरफोन है, 189 रुपीज़ का अभी इसका प्राइस दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन कभी कभार इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो 189 रुपीज़ के हिसाब से मैं आज इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि क्या आपको ये एयरफोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अब क्या है कि वायर वाला एयरफोन भी मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है लेना, तो इसलिए मैं इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा इसका टोटल चीज़ बताऊंगा, तो एक वीडियो से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई अभी मुझे ये एयरफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने बिल्ड क्वालिटी से। सबसे पहला तो सबको बेसिकली मैं तो बिल्ड क्वालिटी बेसिकली 100 रुपये के अंदर में देखता नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। वायर की क्वालिटी काफ़ी चीप है, दिखने में काफ़ी कूल है, और जो इसके जो स्पेशली जो माइक जहाँ पर बटन है इसका वो भी इतना खास मुझे नहीं लगा है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसका जो 3.5 mm जैक है वो थोड़ा सा कमज़ोर मेरे को लगा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो ना, तो आप ज़्यादा वहाँ पर उस सरफेस एरिया पे ज़्यादा दबाव ना डालें। उसके बाद बात करते हैं पर इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा एवरेज है, जो नॉर्मल एयरफोन्स में सभी एयरफोन्स में जो होती है। सराउंडिंग भी है, डीप बेस भी है, और क्वालिटी भी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल है, मतलब थोड़ा कम है लेकिन एक्सेप्टेबल है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी की, तो भाई इसकी जो माइक क्वालिटी है अगर आप इसे बात करते हो कहीं पर भी, तो उसके कॉल क्वालिटी मैं बोलूँगा कि वो भी ठीक है बटन प्रेस करने पर, अभी तक तो ये अच्छा तो वर्क कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, साउंड भी अच्छी जाती है, तो ख़राब तो नहीं हो रहा, लेकिन इसे काफ़ी अच्छे दिन तक अगर यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो इनिशियल एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा मेरा, तो एक वैल्यू फॉर मनी मेरे को लग रहा है ये है, तो आप इसे चाहिए तो परचेस कर सकते हो। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करना।